बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान से मैं और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अज़ाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। कुछ न्यूज ले गया हूँ, कुछ लोग हैं जो अभी भी बाज नहीं आए, जिनमें एक नाम है तनवीर अहमद। नाम पता है आपको? ये पहली बात है, जितने मेरे इंडिया से भाई देख रहे हो, मुझे ना एक बात बताना, ये तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात की है, और अब तो इसने मतलब बेड़ा ही गलत कर दिया ना, अब तो इसने हद ही पार कर दिया। गौतम गंभीर और तनवीर अहमद का आपको बताया, पहले भी एक बार जो है वो पाक भारत टाकरे मैच में गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की मुंह मारी हो चुकी हुई है, और फिर गौतम गंभीर के ऊपर तनवीर अहमद ने एक ऐसा एलिगेशन लगाया है, गौतम गंभीर की डिसरिस्पेक्ट किया है, इंडिया की डिसरिस्पेक्ट किया है। इस हवाले से बात करेंगे, और बहुत बड़ी दो न्यूज लेके आया हूं। देखो, आप कल से इस बारे में बड़े ज्यादा जगह पे देख रहे थे कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ नया बजट आ गया, ये आ गया वो, आपने बड़ी ज्यादा जगह के ऊपर ये देखा होगा। मैं इस टॉपिक को अभी डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, मेरा आपको पहले भी पता है, बड़ी सिंपल सी बढ़िया सिंपल सा मुद्दा है। मैं हमेशा उस चीज को तब लेके आता हूँ जब मेरी रिसर्च उस पर कंप्लीट हो जाए, मेरे पास जो सोर्स है वो मुझे इस बात से मतलब एग्री हो जाऊं मैं कि यार हाँ ये बात सच्ची है, इसमें कुछ दम है, तो फिर मैं जो है उस बात को जो है वो आपके सामने लेके आता हूँ। दो बहुत बड़ी न्यूज लेके आया हूँ। जितने भी पाकिस्तानी फैंस है ना पुत्र, ताड़ा घंटा बज गया, आपका घंटा बज गया। जो चैंपियंस ट्रॉफी की ख्वाहिशें देख रहे थे ना, जो बड़े अपने अंदर वो जो लड्डू फूट रहे थे, इंडिया आएगा जो अब बजट पास हो गया तो फलाना होगा तो टमकाना हो गया, पुत्र अब जो मैं न्यूज अब लेके आया हूं ना, वो सुनने के बाद ना जहां जहां खड़े हो गए वहां वहां बैठ जाओगे, जो जो बैठा हुआ वो खड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तनवीर अहमद। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को, कभी किसी को, और विदाउट एनी लॉजिक, जिस चीज में कोई लॉजिक नहीं पाई जाती। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है, और इस बात में कोई लॉजिक नहीं होती। देखो देखो, क्रिकेट की बात में आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है, वो मैं एग्री करता हूं, लेकिन क्रिकेट के बगैर आप हर चीज में डिसएग्री कर रहे हो, अपना हेटिज्म जो है वो उसको प्रमोट कर रहे हो, अपनी हेट स्पीच आप दे रहे हो, वो भाई बात समझ नहीं आती। तनवीर अहमद फिर भजन मैदान में है, और तनवीर अहमद ने घंटे, तनवीर अहमद ने कैसी इसकी, मैं कहता हूं कैसी, किस तरह की शक्ल है इसकी, इसकी शक्ल है जी इस तरह की इसकी शक्ल है, इस तरह की, ये जो अंदर है ना ये वाला, ये इस तरह की शक्ल है इसकी। तनवीर अहमद ने भजन बोला है कि गौतम गंभीर पर्ची कोच है, मतलब गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच लगे हैं राहुल द्रविड के बाद, अगर कोई बंदा था जो डिजर्व करता था टीम इंडिया को, टीम इंडिया का हेड कोच बने, तो वो बंदा था गौतम गंभीर। जो तनवीर अहमद ने बोल दिया है कि जी गौतम गंभीर जो पर्ची कोच है, इसको तो कोचिंग आती ही नहीं है, इसको किस मेरिट पे आपने कोचिंग दी है? ओए घंटे के, और घंटे के तनवीर अहमद, हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने क्रिकेट आज छोड़ी और कल वो टीम का बैटिंग कोच या हेड कोच बन जाएगा। बेटा वो टीम इंडिया है, वो बीसीसीआई है। गौतम गंभीर आईपीएल में कोलकाता की भाईजन उनका हेड कोच रहा है, उसके बाद लखनऊ का रहा है, और दोनों टीमों को उसने बड़ा कुछ जितवाया है। आप देख लो कोलकाता को, भाईजन वो टाइटल जीती है इस साल, और तू किस बैलेट पे ये कह रहा आगे क्या, ये बेटा ये काम छोड़ दे, ये लिटरली गौतम गंभीर के साथ मुझे पता तेरी वैसे भी नहीं बनती, उसने 2-3 बार तुझे शो में चुप करवाया हुआ है कि भाई एक बार ना ये तनवीर अहमद विराट कोहली के अगेंस्ट ना कुछ गलत बातें कर रहा था, और गौतम गंभीर ने बोला था कि भाई जितने तेरे मैच नहीं है उतनी विराट कोहली के 100 हैं, और ये बात आई थिंक 2019-20 की है, इसने विराट कोहली के अगेंस्ट ना बड़ी गलत बातें की थी गौतम, इसने तनवीर अहमद ने पाक भारत टाकरे में। तो गौतम गंभीर ने फिर इसको चुप करवाया था कि भाई
इतने तेरे मैच नहीं है जितनी विराट कोहली की हंड्रेड्स हैं, तो अपनी ना बकवास बंद रखा कर, सही है, जितना तू है ना उतना ही रहा कर। उसके बाद आप बात कर लेते हैं दो जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा बड़े दिनों से चल रहा है, मैं भी रोज वीडियो करता हूँ, आप भी देखते हो, हर बंदा कर रहा है, लेकिन कुछ गलत दे इंफॉर्मेशन आपको बता के चला जाता है, कोई सही दे के चला जाता है, कोई व्यूज के लिए चला जाता है। मैं लेट आ रहा हूं इस मुद्दे पे, लेकिन मैं इस पे रिसर्च कंप्लीट करके आ रहा हूं, इस पे जो मेरे पास वैलिड इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और आप आई नो आप इस मुद्दे से आप जो है वो बिल्कुल वो ना दूध का दूध पानी का पानी करके जाऊंगा, बिल्कुल समझ आ रही है, जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। आप ना दो तीन चीजें सुन रहे हो कल से कि यार वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना एक नया सब्स्टिट्यूट जो है वो बजट जो है वो पास किया गया, बजट पास हुआ है, और एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात आप ये सुनने में आ रहे हो कि आईसीसी ने जो है वो पीसीबी से बात की है कि सॉरी हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इंडिया पाकिस्तान आए। इस हवाले से दो बड़ी डिटेल, बड़ी बड़ी जबरदस्त और बड़ी आप कह सकते हो कि बड़ी वैलिड चीजें हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो है वो जो बजट पास हुआ है, एक तो बजट पास पीसीबी करवा गया था ना, उसके बाद जब पाकिस्तानी लोगों ने खुशियां मनाना शुरू कर दी कि इंडिया तो आ रहा है, इंडिया तो आ रहा है, अब आओ, पीसीबी जीत गया, बीसी हार गया, भाई जब पता ना हो तो फिर ज्यादा बहु बहु नहीं करते। अब मेरी बात सुन लो, बात यह है कि पास्ट में भी आपने देखा है एशिया कप में भी बजट पास हुए, पैसे भी टूर्नामेंट में बजट पास हुए, बजट भाईजन चेंज भी हो जाते हैं, मीटिंग दोबारा हो जाती है, आईसीसी सब कुछ दोबारा रिन्यू कर देता है, ये तो कोई इतनी नई बात नहीं है। अब बात ये हुई है कि आईसीसी ने दो बोर्ड्स के साथ बात की थी, एक तो यूएई वाले मतलब यूएई में और एक श्रीलंकन बोर्ड के साथ। श्रीलंकन बोर्ड ने आईसीसी को इस बात का जो है वो पूरा एग्रीमेंट दिया था कि अगर आप को होस्ट रखना चाहते हो और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, क्योंकि हमारी टीम वैसे भी नहीं खेल रही और हम रेडी हैं को होस्ट के लिए, हम जो है बाकी टीमों के मैचेस जो हैं वो अपनी कंट्री में करवाएंगे, इंडिया के मैचेस हम बाकी जो भी टीमें हैं इंडिया के मैचेस हम अपनी कंट्री में करवाएंगे और हम एग्री हैं इसके लिए। आईसीसी को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि आप हमारे घर में आके मैचेस करवा सकते हो, को होस्ट हो सकता है। अब यह फिर बात आई है कि जी आईसीसी ने यह बात हुई है, अब सुन लेना इस बात को, ये जितने भी पाकिस्तान के कुछ दो टके के लोग हैं ना, मैं भी पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं हमेशा सच्ची बात करता हूं, ये जो कल परसों से एक ही बात पे इन्होंने रट्टा लगाया हुआ है, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है, बजट पास हो गया, आप सुन लेना, वो जो बजट पास हुआ था ना वो बजट पास होना ही होना था, वो तो पक्का था होना था, वो बजट पास हो गया, वो होना था तो भाईजान पीसीबी ने ग्राउंड के काम वगैरह करवाने थे, वो बात सुन लेना। अब जो बात है ना, अब आईसीसी ने एक सब्स्टिट्यूट बजट भी पास कर दिया है, और देखो मेरी बात ये सुन लेना, अब ये वाला जो बजट है ना, ये बजट अलग से पास हुआ है, ये बजट वो बजट है जो हाइब्रिड मॉडल वाला बजट होगा, जो आप होस्ट के साथ एक को होस्ट लगाओगे ना, ये वो वाला बजट है। अब पाकिस्तानी लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशन नहीं है, तो मजीद बात को समझाना पड़ेगा, इंडियन भाई तो मेरे समझ गए होंगे। अब बात ये है, एक तो बजट वो था जो एक टूर्नामेंट के लिए आपने जो है वो रिक्वायर्ड रखा हुआ था, वो पास हो गया और वो होना ही होना था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कुछ मैचेस तो होने ही आना, इंडिया नहीं आ रहा तो बाकी टीमें खेलेंगी। अब जो हाइब्रिड मॉडल का बजट है ना, वो जो लास्ट बार एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल का अलग बजट रखा गया था, पता है पहले बजट पास हुआ, फिर पाकिस्तानी चेयरमैन लोगों ने रोना डालना शुरू कर दिया, इंडिया आ रहा है अब मजबूर हो गया इंडिया, फिर दोबारा बजट पास हुआ एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग हुई थी, दोबारा एक श्रीलंका में आई थिंक या इंग्लैंड में कुछ हुई थी, तब दोबारा एक बजट पास हुआ था, वो हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट पास हुआ था। अब क्या होगा, अब सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली ये समझा जा रहा है कि एक दोबारा मीटिंग रखी जाएगी, जिस मीटिंग में ये बता दिया जाएगा कि ये जो बजट है ना, ये जो हाइब्रिड मॉडल के लिए रखा गया, ये जो को होस्ट के लिए रखा गया, अब ये बजट वो बजट है जो श्रीलंका में होगा या यूए में मैचेस होंगे टीम इंडिया के लिए, ये वो बजट है जो पाकिस्तानी, मेरी बात सुनो, उस दिन आप बड़ी बातें कर रहे हो कि वो जी जय शाह ने सॉरी मोहसिन नकवी ने ये वो, भाई मेरी बात सुनो,
उस मीटिंग में यह मुद्दा नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस होनी, उस मीटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस होनी थी, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी डिस्कस नहीं थी होनी और वो हुई भी नहीं थी। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी उधर एक एक गर्ज के लिए गए हुए थे कि मैं जय शाह को बैठा के बात करके कुछ कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि आप हमारे घर आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलो। और फिर जय शाह ने मुंह नहीं लगाया, जय शाह ने जो मीटिंग के लिए बोला गया था उसको रिफ्यूज किया कि भाई मैंने मीटिंग नहीं करनी। और जय शाह ने यह डायरेक्ट आईसीसी को बोला हुआ है, बीसीसीआई ने यह डायरेक्ट आईसीसी को बोला, और यह बात सच्ची बात है कि हम कोई भी एक बात पीसीबी से इस रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी ना पीसीबी हमारे पास आए और ना हम उनसे बात करना चाहते हैं जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आईसीसी कभी जिंदगी में यह ना सोचना कि बीसीसीआई के अगेंस्ट खड़ा होगा, उन्होंने पीसीबी को डायरेक्ट मना कर दिया साढ़े को ना आवे हो करानी जी अपने दम तक रहो नहीं तो गायब हो जाओ। बजट आपका पास कर दिया, चीजें आपकी पास हो गई हैं, इंडिया के लिए हम एक अलग बजट पास करेंगे हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, और को होस्ट आईसीसी ने जो अंदर की बात आई है श्रीलंका को डन कर दिया। श्रीलंका वैसे भी अच्छी कंडीशन है, मैचेस अच्छे होंगे, श्रीलंका को होस्ट डन हो गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, मतलब श्रीलंका में मैचेस होंगे इंडिया के अगर, और इंडिया ने नहीं आना। उन्होंने आईसीसी को बड़ी क्लियर कट बोला हुआ है कि आपको हमारी गवर्नमेंट का पता है, वो नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान जाए, तो काइंडली हमें फोर्स ना किया जाए। आईसीसी कभी भी नहीं करेगा, बोर्ड है जिससे आईसीसी सारे पैसे लेता है, आईसीसी उसको कभी फोर्स नहीं करेगा। आईसीसी अपने पलियों पैसे ला गए ना पुत्र, अपने से उनको टूर्नामेंट देगा खेलने के लिए, ये आईसीसी करेगा, इतना करेगा। यार जो पाकिस्तानी लोग ख्वाब देख रहे हो ना पुत्र, इंसान के बच्चे बन जाओ, तनवीर अहमद तू बंदे का पुत्र बन जा, यकीन कर इंसान का बच्चा बन जा, इंसान का बच्चा बन जा, तू इंसान का बच्चा नहीं है, यकीन कर इंसान का जो बच्चा होता है ना वो कुछ और तरह का होता है। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।